सतगुरु खिमा ताणिया जोग जूथ समाणे अनपौ निजा नाम टेक जित भगत अगाणे गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे इहो राज जोग गुर रामदास तुम हो रस जाने जिसमें अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग गुरु ग्रंथ साहिब उतद बंदों कर अनुराग आ गुरमुखा कुर्सी का स्यापा कर हूँ भाई साहब ने उठाया तो बीबी बह गई है। मैं गुरु पातशाह के सामने कुर्सी डहन नहीं देनी, जे डाउनी है तो मैं चलिया। भाई साहब ने बेनती की थी, गुरमुख प्यारे थले बह गए ने, कुर्सी डाओ भावें पंजा डाओ पर ओले डाओ, गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह के सामने कुर्सी पर बहना बड़ा गुनाह है। तो मैं प्रण किया भी जिन्ना च मेरे प्राण ने गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह मेरा रब है, तो जिहड़ा मेरे गुरु की बदबी करता वह रिश्ता मेरा लगता, वह लगता की है। जिसमें अमृत ज्ञान है माणक भगत बराग गुरु ग्रंथ साहिब उदत बंदों कर अनुराग श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच बकार तिन संतन को बंदना सिर चरण पड़तार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, मैं गुरु रामदास पातशाह की वडियाई करन तो पहला थोड़ा जा ये तुहाडे नाल विचारां दी सांझ करां कि गुरु पातशाह के सामने कुर्सी डा के बहना गुनाह क्यों है। इहदा जवाब यह है, आपां कल्ली इन्नी गल पढ़ते हाँ भी कलगीधर पातशाह ने आख्या सी आग्या पई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। लेकिन जे इतिहास के पन्नियां नूं विचारिया जाए तो दस गुरु साहबाना ने शब्द नूं गुरु मन्या। साढ़े हिंदुस्तान दे विच इक बड़ी चंगी परंपरा सी कि जदों भी कोई गुरमुख प्यारा किसी नूं मिलदा उहदा पहला सवाल हुंदा सी तुहाडा गुरु कौण है, क्योंकि धर्म ग्रंथां दे विच इथों तक लिखिया कि नगोरे का है नाम बुरा, जिहड़ा नगोरा बंदा उहदा नाम लैणा भी पाप। ते गुरु पंचम पातशाह कहिंदे ने गुरमंत्र हिरस जो प्राणी तरगंत जन्म भ्रष्ट ने, कूकरे सूकरे गर्द बे काके सर्प ने तुरखले। जिहड़ा गुरु के मंत्र तो हीणा जिन्हें गुरु धार नहीं किया वह कुत्ते वर्गा, वह सूर वर्गा, वह सप वर्गा, वह खोते वर्गा। ये जब बोलिया ये सारा कुछ गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह ते लिखिया होया है, पर नाल ये भी लिखिया कि काचे गुरते मुक्त ना हुआ। कच्चे गुरु ने मुक्त नहीं करना। इस परंपरा के अधीन जदों भी गुरु नानक पातशाह सिद्धां नूं मिले तो सिद्धां ने गुरु नानक पातशाह नूं सवाल किया कि तुहाडा गुरु कौण है, तो गुरु नानक पातशाह ने जवाब दिता जिहड़ा बाणी दर्ज है सिद्ध गोष्ट विच। कहिंदे कवन गुरु
किसका तू चेला पावन आरंभ सतगुर मत वेला ते गुरदेव कहिंदे शब्द गुरु सुर तुंग चेला मेरा गुरु ही शब्द है और मैं अपनी सुरती नूं चेला बनाउणा कीता है। जदों असीं इस नुक्ते दी विचार करदे आ ना ते जेड़े देहधारियां दे कोल नाम लैके आउंदे उह कहिंदे ज्ञानी जी असीं भी शब्द लैके आए ना तुसीं किवें कहिंदे उहनां कोल ना जाओ। लेकिन गुरमुखो शब्द शब्द सिर फर्क है। पप्पा तत्ता पिता पप्पा तत्ता पुत पप्पा दे तत्ता पति अखर दो ने पर किते पुत किते पति ते किते पिता। शब्द केड़ा है? मैं ईसाई धर्म की पढ़ाई कीती है ते तुहानू पता भी होना कि मेरे ते उन्होंने 295 दा परचा भी कराया। एक ईसाई भरा उहदा नाम आर्जेंटाइन भी है उन्हें आख्या दुनिया के लोगो जदों संसार विच कुछ ना रहा उदों गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह रहणगे। ध्यान दिओ जिहड़े देहधारियां कोल जांदे ने। एक अंग्रेज भरा ईसाई वह कहिंदा दुनिया के लोगो जदों संसार विच कुछ ना रहा उदों गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह रहणगे। उस भरा नूं पुछिआ भी वीरा तूं गल बड़ी बकीमती कही है पर तेरे अपने बयान नहीं लड़दे। तूं कहिंदा जो दुनिया च कुछ ना रहा जो गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह रहणगे जो रहा ही कोई ना उदों गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह किवें रहणगे। उस भरा ने एक बड़ी बकीमती गल कही है। वो कहिंदा है तमाम दुनिया के दाने सियाने लोग कहिंदे ने ट्रुथ इज यूनीवर्सल सच्चाई सदीवी है ते जे सच्चाई सदीवी है ना ते गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह दी बाणी च की लिखिया आद सच जुगाद सच है भी सच नानक सी भी सच सच सी सच है सच होवेगा। ते आपां जे देह दी गल करिए ना मैं कथा कर रहा तुसीं सुन रहे हो ना तुसीं रहना ना मैं रहना आपां किसे भी नहीं रहना। लेकिन सच साडे जम्मण तों पहला भी सी सच अज भी है ते साडे मरन तों बाद भी सच रहेगा। दूसरे पातशाह गुरु अंगद देव महाराज उन्हां दे बारे भट्टवीरां ने लिखिया कहिंदे नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भगत प्रेम लिव लाई तां ते अंगद अंग संग भयो सैर तिन शब्द सुरत की नींव रखाई। गुरु अंगद दे सच्चे पातशाह ने साडे ते परोपकार कीता कि शब्द दे नाल सुरती नूं जोड़ना। ये गुरु अंगद दे सच्चे पातशाह ने साडे ते क्यों कृपा कीती है आम वेख्या पे कई लोग जदों जाप करते ने अपने सामने किसी बाबे की मूर्ति रख के जाप करते हैं किसी की तस्वीर नू रख के जाप करते ने ध्यान धरते ने। पर गुरमुखो जेड़ी देह का ध्यान धरते ने यह भी टिकती नहीं। पहला साडा बचपना बालपन सी मुड़ के जवानी आई जवानी बचपन नूं खा गई ते बुढ़ापा जवानी नूं खा गया ते मौत बुढ़ापा भी खा गई। तिन्ने दे तिन्ने नासवान हो गए। इस करके गुरु अंगद दे सच्चे पातशाह कहिंदे गुरमुखा किसे दी देह दा ध्यान धरन दी बजाय शब्द वाले पासे सुरती नूं जोड़िया कर। यह बड़ा बकीमती नुकता है। असीं थां थां ते जाने सानूं रोजाना कोई बीबियां को भरा आम पुछते ने ज्ञानी जी बाणी बड़ी पढ़ी दी है लेकिन मन नहीं जुड़ता। मैनू इन्ने साल हो गए ने अमर छके नू ज्ञानी जी अजे गल नहीं बनी। ये आम लोगों का सवाल है
ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰਾਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ, ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਹੀ ਸੁਣਨ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਕਾਕਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮੱਲ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਆਈਏ, ਜਦਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵੇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਨਗਰ ਤੋਂ ਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਦਾੜੀ, ਨਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਲ, ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਰੇ ਵੀ ਕਥਾ ਵਾਚਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਛੱਡਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਚਕੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਵੱਟ ਢਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੇਰੀ 16-14 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੱਡ ਬੀਤੀ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਪਲਾਟ ਵਿਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੰਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਵਿਗੜੇਗਾ ਕੀ? ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹੋ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਆਵਹੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਆਵੇਗਾ ਕੌਣ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਤਿੰਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ, ਜਪਿਓ ਸਾਰਗ ਪਾਣੀ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸਦਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੇਖੀਦਾ ਨਾ ਆਹ ਹੁਣ ਕੱਤੇ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਬੜੇ ਨਹਾਉਣਗੇ, ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਤੇ ਦਾ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਗਰ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਕੱਤੇ 'ਚ ਨਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮਗਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਮ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਫੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਹਾਉਣਗੇ ਪੂਰਾ, ਇੱਕ ਕੱਤੇ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮਗਰ 'ਚ ਰੱਬ ਹੋਰ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਾ ਰਹੋ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ,
कबीर केसो केसो कूकिया ना सोइए असार रात दिवस के कूकने कबू के सुने पकार आवाजा मारी चल कदे ना कदे तो सोनी लगेगा ना जिहड़ा आपां बाणी पढ़दे ना ये रब नूं आवाजा मारदे हाँ। धन गुरु रामदास पातशाह ने ते क्लीयर कट सानू आख्या है आ कई गुरमुख प्यारे कहिंदे ने भी ज्ञानी जदों आपां अरदास करदे हां भावें अमरीका च बैठा कबीर साडा भावें कोई कनेडा च बैठा भावें किसी होर मुल्क विच देश प्रदेश विच ते जिहड़ा आपां ये कहिंदे आ भी अमृतसर जी दर्शन शनान ये कादे लई करदे आ भी तां कि इह गोल्डन टैंपल सोने दा बणिया तां करके गुरमुखो इहदा पिछे को राज है इस करके नहीं फिर हरिमंदर साहब नूं सोना लगा ते तां ध्यान धरदे आ इस हरिमंदर दे विचों सानू एक विशेष स्नेह आया ते गुरु के सिख ने उस स्नेह नूं भुलना नहीं ओ की नाट नारायण महला चौथा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन माने परतख गुरु नस्तारे ये गुरु रामदास पातशाह दे शब्द ने सिखा बाणी ही गुरु है मैं फिर तेनू कहां कि गुरु बाणी है ते ए ना आखी पिया बाणी पढ़नी दिया नहीं पढ़नी सारी बाणी अमृत रूप है ते जेड़ा गुरबाणी कहिंदी जे इहनू मन्नेगा ते तेरा गुरु कल्याण कर देगा। पंचम पातशाह दा समा आया उन्हां नूं धन गुरु अमरदास पातशाह ने वर दिता सी जदों ये छोटी अवस्था सन गुरु अर्जन दे महाराज ते रिड़ते रिड़ते आए गुरु अमरदास पातशाह प्रशादा छक रहे सन आण के नाने दे मंजे नूं हत्थ पाया जदों मंजा हिलिया ना ते साडे बजुर्गां ने लिखिया है गुरु अमरदास पातशाह कहिंदे किहड़ा बालक है भारी जिन मंजी लाई सारी ये काका किहड़ा जिन्हें साडी मंजी ला दित्ती है ते माता भानी जी कहण लगे दोता जे दोता ते गुरु अमरदास पातशाह ने अपने दोते नूं चुक के अपनी गोदी च बिठा के आख्या दोता बाणी का बोए था ये बाणी का जहाज बनेगा ये बाणी का जहाज है। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज ने भाई गुरदास जी दे कोल बाणी लिखवाई और रामसर साहब वाली थां तो बाबा बुढ़ा साहब के पावन शीस से महाराज का सवारा रखाया गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह का ते पंजवें पातशाह चौर करते करते मगर मगर आए जदों हरिमंदर साहब प्रकाश किया ना कल बाबा बुढ़ा साहब का जन्म दिहाड़ा भी सी सिख जगत विच एक बाबा बुढ़ा है जिन्हों गुरु घर विचों साहब का खिताब मिलिया साहब का असी ये तो कहने भी भाई मनी ज्ञानी भाई मनी सिंह भाई बहलो भाई मंझ भाई गुरदास एक केवल ते केवल बाबा बुढ़ा है जिन्हों गुरु अर्जन देव ने साहब आके नवाजिया उते लिखा जे बुढ़ा साहब खोलो ग्रंथ लेहो आवाज सुने सब पंथ ले आवाज बुढ़ा ता बोला अदब साथ ग्रंथ को खोला। बड़े सत्कार दे नाल गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह का प्रकाश किया। पंजवें पातशाह नीवी थां ते बैठे मैं कुर्सी ते इतराज क्यों करदा हाँ मैनू कुर्सी पीड़ क्यों करदी है मैनू कुर्सी गुरु की झूरी च क्यों चंगी नहीं लगती मैं इतिहास चों पढ़िया वे गुरु अर्जन देव आप नीवी थां ते बैठे ते गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह नूं उच्ची थां ते सभायमान किया। सिखां ने आख्या महाराज तुसी गुरता गद्दी दे मालक ते आप नीवी थां ते क्यों बैठे हो वह इतिहास दीआं पंक्तियां तुसी अपने फोन च रिकॉर्ड कर लो ग्रंथां चों पढ़ लो। गुरु पंजवें पातशाह ने आख्या सी इह गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह मेरे नालों वड्डे हन और वह पंक्तियां ने वह कहिंदे मोरे सरूप ते यां ते है दीर्घ साहब जान अदायब करे हैं ग्रंथ रिदा
गुर का ए जानू, ये मेरा कालजा है, ये मेरा दिल है। ग्रंथ रिदा गुर का ए जानू, पूर्ण है सब काल रहे हैं। सतगुर केर शरीर है जो सर्व समय सर्व थान दर्शा है। जेड़ी गुरु दी दे है ना, हर मौके हर थां ते नहीं जा सकती, लेकिन गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह हर मौके हर थां ते चले जाया करनगे। कोई अमरीका च गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह नूं मत्था टेक रहा है, कोई इंग्लैंड विच मत्था टेक लिया है, हरिमंदर साहब गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह महाराज का प्रकाश है, तरन तरन साहब गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह नूं मत्था टेक रहे हैं। गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह हर थां ते हाजिर नाजिर है। फिर एक बार गुरु अर्जन देव महाराज ने पूछा भी महाराज तुसा रब वेख्या? आ मैं कई बदनसीब बंदे वेखे ने। ज्ञानी जी तुसी कृपा करो कि सानू भी महाराज के दर्शन हो जाए। तेरा तो बेड़ा गर्व होया ते ज्ञानी का भी नाल कर लगा। ओ भलिया पुरशा, तू गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह नूं की समझिया कि यह रब नहीं? बाणी दियां पंक्तियां ध्यान करो, वाह वाह बाणी निरंकार है ते सजेवड और न कोई। गुरु पातशाह कहिंदे सिखो ये परमेश्वर है, इहदे बराबर कोई नहीं। तुहाडी याद लई बेनती करा महाराज, प्रकाश है तुसी आप वेख लेना। 1226 अंग खब्बे पासे सारंग महला पंजवा पोथी परमेश्वर का थान, ये रब की जगह है। छेवें पातशाह महाराज ने जंग जितया हरगोबिंदपुर साहब का, भाई गोपाले नूं कहण लगे गुरमुखा सानू जपजी साहब का पाठ सुना, इतिहास पढ़ो, उस थां ते जाके वेखो। ओ गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जिन्हें अकाल तख्त की नींह रखी सिरना की, वह गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह नीवीं थां ते बैठे ते भाई गोपाले नूं उच्ची थां ते बिठा के ते उहदे कोलों जपजी साहब का पाठ सुनना कीता। गुरु ग्रंथ इन्ना महान है, तुसी अकाल तख्त साहब बहुत वेरां गए हो गए, जे गए ते चेते करो, जे नहीं चेते ते जाके वेखना। जिथे गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह दा सुख आसन करदे ने रात नूं, उस पलंगे दे थले चादरा विछाया चिट्टा, वो कादे लई विछाया है? जिदन तो गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह का प्रकाश हरिमंदर साहब होया ना, पंजवें पातशाह पणगे के थले कपड़ा विछा करके थले भुंजे पेंदे रहे, ते गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह का सुख आसन पणगे ते होंदा सी। असीं गुरु अर्जन देव नालों वड्डे नहीं। सतवें पातशाह के समय की गल है, सिखां काबल वाले पासे तो संगतां कीर्तन करदियां करदियां आईयां, गुरु हर सच्चे पातशाह के कन्नां च आवाज पई, एकदम उबड़ वाए मंजे तो उठे, कूटे ते सट लगी, नहीं बड़ी औखी है। सतवें पातशाह ने करके विखाई, उन्हां दे बेटे ने पैसों की चमक वेख करके ये कह दिता मिट्टी बेईमान दी, जबकि बाणी च मिट्टी मुसलमान दी लिखिया। सतवां पातशाह कहन लगे मेरे मत्थे ना लगे, और उस अपने पुत नूं जीवन पर्यंत अपने घर नहीं बन दिता। ये जे गुरबाणी दी अदब दी गाथा। इस करके गुरमुखो, जेड़ा गुरु घर विच उच्चा बन के आउंदा है वह नीवा होके जांदा है, जेड़ा नवाणा बन के आउंदा है झोलियां भर के जांदा है। इस करके जे कोई शरीरक मजबूरी है तो आप आवाज ही सुनी ना, माड़ा जा ओला करके बह जाओ, लेकिन गुरु के सामने उच्चा होके बहना, ये तो वड्डा गुनाह कोई नहीं। ज्ञानी तुसी बड़ा मूँह पाटा बोलते हो, तुहानू पुछिए भी तुसी उच्चे बैठे हो, तुसी फन्ने खाओ, तुसी चौधरी हो, तुसी को बैठे हो। ये गुरमुखो जिन्ना चिर मैं कथा करनी है, ये कथा उच्ची बैठी है, हड्ड मास नहीं उच्चा बैठा। आप शब्द का सत्कार करते हैं, बीबियां कीर्तन करन, बच्चे कीर्तन करन, जिन्ना चिर कीर्तन करना है असी कीर्तन नूं उच्चियां कीता, किसी के हड्ड चम नूं उच्चा नहीं कीता। इस करके गुरमुखो जिन्ना भी हो सके गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह का अदब रखो। ये झोलियां भर देंदा जे
मैनू किसी का पता नहीं, लेकिन मैनू गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह जो गुरु अर्जन देव ते गुरु नानक के दर्शन होंगे ने, इस करके मैं गुरु रामदास का कुत्ता होने करके भौंकदा तां है। जे कुत्ता भौंके ना तो मालक पटा ला के वारा कर देता है। मैं अपने आप को गुरु रामदास का कुत्ता समझदा। हम कूकर तेरे दरबार भौंके आगे बदन तुसार, गुरु रामदास पातशाह मैं अवारा कुत्ता ना बन जा, मैं तेरे दर से भौंकता रहा, मेरे गज च पटा पाई रखी, क्योंकि पटा वाला कुत्ता पालतू हुंदा ते वारा नू कोई भी सोटी मार के मार सकता है। ये मैनू दर्द तां हुंदी है। सतगुरु पातशाह साढ़े ते कृपा करन, साढ़े अंदर गुरबाणी का डर बनिया रहे, असी गुरबाणी के मुताबिक अपने जीवन नू ढलगे। ये मेरी गुरु पातशाह के चरणा च अंदर दी तह तो अरदास बेनती है। हुण आपां गुरु रामदास पातशाह महाराज का अवतार दिहाड़े के संबंध में इकट्ठे होए हैं, ये बारे थोड़ी जी विचार करा। गुरमुखो, कुदरत का एक नेम है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, और गुरु की बाणी दी पंक्तियां ने जल ते थल कर, थल ते कूआ, कूप ते मेर करावै, रीते परे परे सखनावे, यह ताकु बहारे। ये रब का विहार है। जिथे पानी है उथे टिब्बे बन जाते ने, जिथे टिब्बे ने उथे पानी हो जाता है। अपने सारे दे कोल एक बड़ी सुंदर मिसाल साढ़े इतिहास की है, जिहड़ा मुक्तसर का जंग होया ना, जिवें आपां जिमीदार कहने भी भाऊ लागे वाली पैड़ी तेरी ते जिहड़ी दूर की पैड़ी वह मैनू दे दे। तीन भरा सन तघाणा, रुपाणा ते खदराणा। उस इलाके च पानी नहीं सी मिलता, और उन्होंने तीन भरावां ने अपने नगर ढाबा के कंढियां ते वसाए, उन्होंने ढाबा ते कब्जा किया, और साडे वडेरे बाबा मान सिंह ते माता भाग कौर ने खदराणे के कंढे ते जाके डेरा लाया कि आपां नूं पानी की कमी ना आवेगी। उस मौके उस इलाके च पानी इन्ना बकीमता सी ते जिन्नी सेम अज मुक्तसर दे इलाके च इन्नी सेम कित है नहीं। उत्थे थां थां तों पानी निकली आउंदा है। ये रब दे रंग ने तिना सालां च इन्नी तब्दीली हो गई। ये मैं गल क्यों कीती, गुरु रामदास पातशाह महाराज दे वडेरे जिहड़े सन, वह रामचंद्र की औलाद विचों होए। ये गल गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी कलम नाल लिखी है। रामचंद्र दे दो बेटे सन, लहू ने लाहौर वसाया, कुशु ने कसूर वसाया, ते समय दे नाल जेड़े सके होंदे ने कदे शरीक बन जाते हैं। पहला सके होंदे ने, मुड़ के शरीक बन जाते ने। आप आम अखबारों से पढ़ने भी भरा ने भरा मार कत्या, दो कनाला तैली का झगड़ा सी, उन्हां दी आपस में गुरमुखो टकराव होया, ते कुशु दी औलाद ने लहू दी औलाद नू नगरों कढ दिता। वह चले गए सनौट दे इलाके च, जिवें अपना माझा मालवा इक इलाके नू सनौट देश कहिंदे ने। उत्थों दे राजे ने वेख्या भी खानदानी बंदे उन्हें अपनी लड़की विआह दित्ती, उस बीबी दे घर जिहड़ा बच्चा पैदा होया उहदा नाम उन्हें रखिया सोढ़ी राय। मैं ये गल तां कह रहा भी गुरु रामदास नूं आपां कहिंदे बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कावे, गुरु रामदास दे वडेरे नूं सोढ़ी कहिंदे क्यों सन। मैं ये गल तां कीती है, सनौड़ देखदे राजे ने अपनी धी दा रिश्ता किया, जिहड़ा काका होया उहदा नाम रख्या सोढ़ी राय। नानकियां दी वादे नाल उहने फिर शरीकां ते हमला किया, ते हुण उहने शरीकां नूं घरों कढ दित्ता। पहलां आप निकले ते हुण उहनां नूं कढ दित्ता। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰਜਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਭਾਇਆ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਹੂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਕੁਸ਼ੂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, और उन्हों का लोगों आम मशहूरी हो गई भी बड़े विद्वान ने।
जिन्हां ने कदे कढ़िया सी उन्हां सिनियां दे के बुलाया भी तुसीं साडे किते साडे गेड़ा मारो। पहला कढ़िया हुण उन्हां कोल गुण है ते कहिंदे साडे आओ साडे कथा करो। उत्थे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह लिखिया भी जदों उन्हां ने कथा कीती ना तीन वेदां दी ते सोढ़ी इन्ने खुश होए वो कहन लगे भी असीं कथा दा तुहानूं भेट की दी उन्हां राज भाग ही भेट कर दिता। आ पासे हो गए हौली हौली जिवें आपां जिमींदार आपां कनेडा जाण नूं आपणा जी तां करदा पहलां नहीं सी करदा हुंदा। मैं आपणा बचपन वेखिया उदों कोई नहीं सी जांदा बाहर। उहदा कारण है भी एक दे तीन पुत दस किले पैड़ी ते तीन तीन आ गए मुड़ के तिना वाले दे कर चार पुत हो गए ते पौना पौना किले पैड़ी आ गए ते मुड़ के कनेडा जाना मजबूरी हो गया साडी। चारों नहीं जाते मजबूरी जाने आ। गुरमुखो इस तरह जिहड़ी जमीन जायदाद सी घटदी घटदी घट गई कुशू दी लाद कोल 20 पिंड रह गए जिहड़े उह सोढ़ी सन उह वपार करन लग पए वपारी बन के हीरियां दे वपारी बन गए। जिवें आपां जट्टां ने हुण आड़तां बना लईआं ने पहलां जट्ट आड़तीए नहीं सी हुंदे हीरियां दा वपार करदे ने और उहनां हीरियां दीआं कणियां नूं कहिंदे ने चूनी जां चूना और उस कारण करके उहदा नां है चूना मंडी। और वह चूना मंडी विच बाबे ठक्कर दे घर पोतरा जमया गुरु रामदास महाराज के दादे का नाम है ठक्कर दादी का नाम है करमो माँ का नाम है दया गुर पिता का नाम बाबा हरिदास है। रब का भाणा रब तो डरीए सारियों तो वड्डे गुरु रामदास आप कहने बाबा जेठा जी ना जेठा नहीं गा ना है रामदास ते जेठा आपां पंजाबी भी सारे कहने वड्डे काका होवे काकी आपां कहने साडी जेठी गुड्डी है साडा जेठा काका है सारियों तो वड्डे होण करके जेठा तखालसा ते नां सी रामदास। एक भैण सी उहदा नाम सी रामदासी एक भरा सी उहदा नाम सी गुरदयाल। रब तों डरीए 7 साल दी उम्र होई ते मां ते प्यो भी चले गए। पहला मां गई मुड़ के बाप गया नानी आई क्योंकि खून पंगरदा है दो रिश्ते नानके ते दादके। नानी आई कोई दिन रही पर घर दियां लोड़ां कौन पूरियां करे भरे मन दे नाल गुरु रामदास पातशाह दी नानी गुरु रामदास दे घर नूं कुंडा ला के ते बासर के नगर आ गई। वेखो रब दे रंग गुरु रामदास दे घर नूं कुंडा लगा 7 साल दी उम्र विच अज उस गुरु रामदास दा कुंडा है ही नहीं अठे पर खुला रहिंदा दुनिया दे लोको मेरे लिए तो कुंडा लगा सी मैं नहीं जे लाया। नानके नगर आए जिहड़ी मैं गल कहण लगा ना आ ये मैं पढ़ी नहीं किते लेकिन हर साल यानी संत सिंह मस्कीन ये गल कहिंदे सन मंजी साहब स्टेज ते ते मेरा मन उस गल तो बड़ा प्रभावित होया ते मैं तां कहण लगा गुरु रामदास पातशाह दी नानी जदों अपने घर वड़न लगी ना ते मामियां कहण लगियां बेबे तू घर दी मालक है मंजे ते बैठी खा हुकम कर पर जेड़े दोते ते दोतियां मां प्यो खा के साडे ते खैर करनगे असीं इन्हां नूं नहीं सांभ सकदे। नानी दियां पुब्बां निकल गईआं धीओं जाए ने किथे कढ दे गवांढ सी गुरु अमरदास पातशाह दा घर। एक साड़ी कहावत है बड़ी कीमती हमसाए मां प्यो जाए। एक पंजाबी की कहावत कुड़म कपत्ता होवे ते होवे पर गवांढ कपत्ता ना होवे। गवांढी गुरु अमरदास पातशाह जे बाबा अमरदास ने गुरु रामदास पातशाह की नानी नूं कहण लगे भाभी मन भरना जे दया कुर चली गई साडा पणवैया अरदास चला गया ये रब दे रंग पर असीं तां नहीं ना गए ये साडे भी कुछ लगते ने। इस गल चो गुरमुख मैं ये गल कढ़ी है एक जमाना सी पिंड दे गरीब दे जवाई ने आना लंबरदार खेतां ते घोड़ी दे चढ़ के गया ते उन्हें प्रौहणे नूं आवाज मारनी पुत्रा तू साडे पिंड दा जवाई है तू घोड़ी ते चढ़ के पिंड नूं जा ते मैं तुर के आ जाऊंगा। पिंड दा जवाई सारिआं दा जवाई
पिंड का दोता सारिया का दोता अज अपनिया पत्थर दिया कोठियां साढ़े दिल भी पत्थर हो गए जे बड़ी कौड़ी तो सच्ची गल है साड़िया कोठियां का रंग चिट्टा साढ़े दिल काले साढ़े कोठियां पत्थर दिया साडा पत्थर का दिल हो गया अज साडे भरा का जवाई हो तो सानू पुछे भी तुहाडा प्रौहणा जांदा ते आपां कहने नहीं नहीं छोटे का प्रौहणा है असी भरा दे जवाई नूं भी अपना जवाई कहण नूं तैयार नहीं साडा दिल इन्ना तंग हो गया गुरु साढ़े ते कितें मेहर कर दे। बाबे अमरदास ने आख्या भाभी मन ना भर साडी भैण ते पणवईया चले गए पर असी नहीं गए जिन्ना चिर जिउने आ मन ते बोझ ना पाई पर पेट बड़ा चंद्रा है इहदे वास्ते बड़ा कुछ करना पैंदा है। इतिहास के पन्नियां नूं पढ़ के वेखो गुरु रामदास 7 साल की उम्र च अपने नानकियां दे पिंड आए 9 साल अपने नानकियां दे पिंड घुंगरियां वेच के ते अपनी भैण ते भरा की पालना की। एक इहदी गल है जिहनूं असीं सोढ़ी पातशाह कहिंदे आ 9 साल नानकियां दे पिंड घुंगड़ियां वेचियां जदों गुरु अमरदास महाराज ने गोविंदवाल साहब वसाया अपने पहचान वालियां अपने हमसायां नूं अपने प्यारियां नूं प्रेरणा दे गोविंदवाल लियांदा गुरु रामदास भी गोविंदवाल आ गए। 2 साल आण करके इत्थे नाले घुंगड़ियां वेचियां नाले गुरु घर की सेवा कीती 18 साल की उम्र हुई ना उधर मां भानी की उम्र भी 18 साल की है। मां भानी की मां गुरु अमरदास पातशाह की महल वो गुरु अमरदास पातशाह नूं कहण लगे स्वामी जी अपनी भानी हुण वर दे योग है तो इहदे वास्ते आपां नूं कोई वर कर लभना चाहिए। उन्हां दा नाम सी मनसा देवी। गुरु अमरदास पातशाह कहण लगे मनसा देवी धियां दे बारे मामा नूं ज़्यादा पता हुंदा है तुसीं दसो भी काका किहो जिहा चाहीदा है ते माता मनसा देवी कहण लगे लाहौर तो रामदास है जे उहो जिहा काका मिल जाए ते अपनी भानी लई बहुत सोहणा फब्बेगा। जदों इह गल कही ना ते धन गुरु अमरदास पातशाह कहण लगे मनसा देवी मसला तां हल हो गया क्योंकि तुसां कहा है ਵੀ ਰਾਮਦਾਸ ਵਰਗਾ ਆਪਣੀ ਭਾਨੀ ਲਈ ਵਰ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਵਰਗਾ ਰਾਮਦਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਾਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ हुण ध्यान दिया जे खास करके मैं बेनती कर लगा आपां धियां पुत्रां दे विआह करदे आं आपां सीधे ढंग नाल नहीं टेढ़े ढंग नाल मनदे आं टेढ़े ढंग नाल मंगदे हाँ। सानू को आखे ना भी तुहाडे कुड़मां ने फारचूनर गड्डी देनी आ गल्लां करदे सी मेरे नाल ते आपां कहिंदे जी सानू तां कोई लालच नहीं उहनां ने अपनी कुड़ी नूं धी नूं देनी जिहड़ी मर्जी दे देण वेखो लैण दा ढंग भी सानू कोई लोड़ नहीं उन्होंने अपनी धी नूं देनी है आउणी तां बुढ़िया तेरे घर है ना तू तां अगली सीट ते बहना ढीठा। याद रखिया जे जिहड़ा गुरु तों नहीं रज्जिया उहनूं बंदा नहीं जा सकदा। एक मैं अपनी गल कहण लगा ते इह गल मुका दिया जे पर जो गल कढ़िया जे मैं मेरा बाबे जरनैल सिंह राणे आनंद कारज कीता है भाई अमरीक सिंह मेरा विचोला सी ते मैं अपने सहुरिआं दे घर गया ते मेरी सस ने बिस्तरा विछाया बड़ा पोला ते मैं बिस्तरा वेख के आख्या माता जी मैनूं हस्पतालों लैके आयो। उन्हें वेख्या भी मुंडा बड़ा मूँह पट्टा कहने लगी पुत की आख्या मैं क्या भी हस्पतालों नहीं आया मैं नवा नरोआ आ चुको नाल मैं बेनती की माता जी मैं तुहाडा करजाई हाँ कोई धी का ना लैके माड़ा शब्द कवे तो मारन तक चाहिए तुसा मैनू धी दिती है जे अज मैं तुहाडा जवाई बनिया तो मैं कदे सहुरा भी बनना है जे मैं तुहाडे बच्चों का पणवईया है मैं साला भी हाँ मैं जिन्ना चिर जिउणा मैं तुहाडे घर सिर नवा के आया करांगा मैं तुहाडा करजाई हाँ। ये मेरी हड्ड बीती जे मैं गुरु की जूरी च कह रहा है
वह आप जे किसी के जवाई हाँ ना आप सहरे भी बनना है, जे आप किसी के पढ़वइए तो आप साले भी बनना है। इन्ना अहंकार साढ़े अंदर गुरु रामदास पातशाह महाराज ने गुरु अमरदास पातशाह कहन लगे पुत्र तैनू धी दे के पुत बनाया जो मंगना मंग। तो गुरु रामदास पातशाह ने जो मंगया ये मंगया करो तो यू अपने दिल च वसाओ। की मंगया? गुरु रामदास पातशाह कहते हर के जन सतगुर सत पुरखा बिनो करो गुरपास हम कीरे किरम सतगुर सरनाई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रकाश। महाराज मैं तुहानू सौरा करके नहीं जानता, तुसी मेरे गुरु हो, मेरे ते तरस करो, मेरे अंदर नाम का चानन कर दियो। ते गुरु अमरदास पातशाह ने गुरु रामदास पातशाह जफी पा के मत्था चुम के प्यार नाल आख्या पुत्रा ये की आख्या दया नाम प्रकाश इहदे नाल की होवेगा? इहदा कारण की है? जिथे दीवा जगदा उत्थे चोर नहीं आउंदे। आपां पढ़दे ना गुरबाणी इस जग में चानण करम वसे मन आए, ये गुरमुखो बाणी च भी लिखा सतगुर शब्द अजारो दीपा बिनस्यो अंधकार ते मंदर रतन कोटी खुली अनूपा। जिथे गुरबाणी का दीवा जगदा ना उत्थे काम क्रोध लोभ अहंकार चोर नहीं आउंदे। ते जिथे वकार आए ने ना ये अंदाजा ला लो उत्थे शब्द का दीवा नहीं जगया होना। जिथे शब्द का दीवा जगदा ना उत्थे वकार नहीं, ते जिथे वकार ने उत्थे शब्द का दीवा नहीं जगदा। इहदे नाल एक प्लस पॉइंट जदों मैं गुरु रामदास पातशाह की कथा करदा ना ते जिन्ना चिर मां भानी नूं मत्था ना टेकला मैनूं ठंड नहीं पैंदी। क्यों? मां भानी एक आम औरत नहीं, मां भानी गुरु की धी, मां भानी गुरु की पत्नी, मां भानी गुरु की मां, मां भानी गुरु की दादी, मां भानी गुरु की पड़दादी, मां भानी का पोतरे का पोतरा भी गुरु मां भानी इन्नी महान है। ये मां भानी इन्नी महान क्यों है? एक दिन की गल, गुरु अमरदास पातशाह चवारे तो थले उतरे ने ते कहन लगे धीए भानिए जे किते रब दा भाणा वरत जाए ते तेरे सिर दा साईं रामदास गुजर जाए ते तू की करे? ध्यान दियो इतिहास के पन्नियां ते लिखिया बंसावली नामे च मां भानी ने अपनी नथ ला के गुरु रामदास के चरणा च रख के आख्या गुरु पिता जी मैं तुहाडे भाणे च रहांगी। मां भानी का जीरा इन्ना है, मां भानी अंदर इन्ना टका है कि अपनी नथ ला के गुरु अमरदास पातशाह के चरणा च रख के आख्या गुरु पिता जी मैं तुहाडे भाणे च रहांगी। ते गुरु अमरदास पातशाह महाराज जिन्हां दे बारे आपां पढ़दे हां भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोए बण आवे, अपनी धी भानी नूं कहण लगे धीए पाला पाला, बहुत वड्डी गल अगे। गुरु अमरदास पातशाह कहण लगे धीए मापे हमेशा धीआं नूं देंदे आए, समाज की यह रवायत भावें कोई गरीब होवे भावें आपां अमीर होईए हर बंदे की भावना होंगी भी मेरी धी आई तो मैं कुछ ना कुछ दया देना तो अपनी गुजाइश मुताब कहना। गुरु अमरदास पातशाह कह लगे धीए भानिए असी मापिया तू धी है तो मापिया का फर्ज होंगे धियां नूं देना, तेरे पति की उम्र मुक चुकी अज अज उन्हें शरीर छड़ जाना सी पर तेरा सबर रब की रिजाव च रहन की सुरती ने इन्नी वड्डी रहमत की है धीए भानिए मैं अपनी उम्र के विचों 6 साल 11 महीने ते 18 दिन कट के तेरी झोली च पा दिते, तेरी पति की उम्र वध गई। असी कल नूं ज्योति जो समाज आना और साढ़े शरीर त्यागण तो बाद समुचे संसार की
रहनुमाई तेरा पति गुरु रामदास पातशाह करेगा। गुरु रामदास पातशाह महाराज गुरु अमरदास महाराज की आज्ञा के अनुसार अमृतसर साहब आ गए और ये महान नगरी वसाई जिदे बारे असी पढ़ते अमृतसर सिफती का कर डिठे सभे थाव नहीं तुत जिया मालवे का एक बजुर्ग जिदे कर औलाद नहीं वो गुरु ते श्रद्धा रख के मालवे चो गुरु घर विच आया लंगर चाण के बेअंत सेवा की बालन कट के लिया एक बालन की पंड गुरु के लंगर च पाउंदा है। जब मैं सागी सुनाउना तो मैनू अजकल दे लोकां दी हालत चेते आउंदी है काका चाह का गिलास लियाई चाह पीती तो गिलास रेड़ दिता और इन चुक के लंगर च कोई ले जाएगा चाह मैं पीवा बाटी को होर मांजे आपा इहो जे सिख बन गए। मैं मंजी साहब कई बार बेनती की है जदों तुसी गुरु रामदास दे घर जांदे हो ना बाकी दियां गल्लां तां अपनी थां ते ने लेकिन उपराला करिया करो भी घट तो घट पंड बाटियां मांजियां जाण ते गुरु अगे बेनती करिया करो पातशाह किते मेरा मन भी मांजिया जाए। ते आपां तां कहिंदे भी अज जिहड़े अंदर खीर बनी सी उहदे च दुध बड़ा घट सी किहो जिहे जाणे आपां इह जे गुरु घर आउण दी जा सकणी ते बाबे आदम कोलों सिखो बाबे आदम कोलों बड़ा अमीर आदमी है हुण तां आपां किलिआं ते आकड़दे ने किलिआं दे मरबिआं दा मालक सी औलाद नहीं शरीकां दी निगाह रापीए ते मरन तों बाद इह जल्दी जल्दी मरे ते पैड़ी वढीए। दरबार साहब दे इक ग्रंथी ते कथा वाचक सन वह ड्यूटी मैनू मिली है ज्ञानी करतार सिंह कलास वालिया उन्हें उत्थे पंक्ति लिखी कहिंदे बोली कट गई जिगर करतार सिंघा तिखियां बोलियां कालजे चीर गईआं शरीकां दी बोली कन्नां च पई ते वह बाबा आदम अमृतसर साहब आ गया ते इत्थे आण के लंगर विच बालन रखदा है कुछ बालन जमा करी जांदा सियाल दा मौसम संगतां बेअंत आईआं उन्हें सरोवर के चौं पासे उदों ਇਹ ਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਬੜੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਤ ਬੜੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਲਵੇ 'ਚੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਘਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਾ ਗਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ वह भोरा जिनी की हुई मेहनत को एवें नहीं जान दिता फल दिता पर आप करते कख नहीं। गुरु रामदास ने बुलाया तो कह लगे बजुर्गा भाई गुरमुखा की मंग है तेरी जो मंगना मंग अपना चिट्टा दाड़ा वेख के संगया कह लगा इन्होंने कहना भी बुढ़े बारे उन्हें पुत मंगता पर गुरु दिलों दिया जानता। गुरु रामदास पातशाह कह लगे कोई गल नहीं बजुर्गा फिर की हो गया सलाह कर ली भाई कल दस दी। ਜਦੋਂ ਤੰਬੂ 'ਚ ਗਿਆ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਣਕ ਹੈ ਹਾਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਿਆ ਸਾਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ। ਘਰਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਗੁਰਦੇਵ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬੀ ਰਾਣੀਏ ਧੀਏ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਕੱਢੇ ਐਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਆਦਮ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖੀਏ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖੀ ਭਾਈ ਭਗਤੂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਤੇਰੇ ਘਰ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਇਆ ਪੁੱਤ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰੀ ਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ
गुरु रामदास पातशाह की वड्याई सुनी, हौली हौली पाठ साहब तो चल के तो अमृतसर साहब आ गए। अपने अड़ब सुभा के मुताबिक, सुभा बड़ा सख्त सी उन्हों का। आ कई बंदे कहते भी ज्ञानी जी ये बाबा श्री चंद गुरु का पुत्र सी, इन्ना सख्त क्यों सी? मैं कहा भी गुरमुखा साडा चाचा लोगों दी वोटां मंग के तो 5 साल सरपंच बनता, तो सरपंच का भतीजा लोगों नूं टिकण नहीं देंदा। मैं सरपंच का भतीजा है, वह गुरु नानक का पुत है। जे कि माण आ गया तो यह आना सुभाविक है। साडा प्यो थानेदार सरकार को तनखाह लैंदा है, तो असं कहें मैं थानेदार का भतीजा कि गल है? वह बाबा श्री चंद का प्यो मक्के जाता तो मक्का बाबे नानक नूं मत्था टेकदा है, जे जगन्नाथ जाता तो जगन्नाथ के पाणे गुरु नानक नूं मत्था टेकदे ने, जे बाबे श्री चंद ने माड़ी मोटी आकड़ फाकड़ कर ली तो हो ही जाता सारिआं दे अंदर। मैं भी हुंदा ना, तो मम्मी करनी सी जिहदा प्यो दुनिया पूजदा, जिहड़ी प्यो नूं दुनिया पूजदी है भला क्यों ना आवेगी? पर बाबे श्री चंद बहुत वड्डा गुण भी है। वह की ये नहीं कि मैं गुरु का पुत हां ते लुट लुट के घर भरना। उन्हें नाम धन इकट्ठिया किया, गुरु की वड्याई सुनी, अमृतसर साहब आया ते जान के कहन लगा गुरु रामदास पातशाह तुहाडा दाड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर बधाया जे। ते तन गुरु रामदास पातशाह की इंतहा निम्रता दी कहन लगी जी तुहाडे वर्गे महापुरशां दा चरण ढाल ली। ये कौन कहिंदा है? सोढ़ी पातशाह। जदों ये गल कही ना ते बाबा श्री चंद ने अगली गल नहीं की, तड़म करके गुरु रामदास पातशाह के चरणों से डिग पिया, गुरु रामदास के चरण चुम लै। गुरु रामदास पातशाह कहन लगे बाबा जी इउं ना करो, तुसी साडे गुरु के साहबजादे हो, ये तुहानू फबदा नहीं, कोई ना कुछ वचन करके जाओ, बुजुर्ग हो। उस मौके बाबे श्री चंद ने आख्या सी गुरु रामदास पातशाह के प्रति, कहिंदे ने तुमरी महिमा अधिक है, मोहिते कही ना जाए, तुमरे सर में जो मजे पापी भी गत पाए। बाबा श्री चंद कहन लगा मेरी जबान छोटी है गुरु रामदास पातशाह, तेरी महिमा वड्याई वड्डी है, तुसा मैनू कहा भी मैं कुछ कहां, मैं तो इन्ना कहांगा जेड़ा तू सरोवर बनाया ना सरोवर, ये पापी भी इनान कर लेगा वह भी मुक्त हो जाएगा। ये गल बाबे श्री चंद ने आखी जे तुमरी महिमा अधिक है, मुझते कही ना जाए, तुमरे सर में जो मजे पापी पीगत पाए। तेरे सरोवर दे विच पापी भी इनान कर लेगा ना, वह भी मुक्त हो जाएगा। इस करके गुरु पंचम पातशाह ने फरमाया रामदास सरोवर नहाते सब लाथे पाप कमाते, रामदास सरोवर नहाते सब उतरे पाप कमाते। ये धन गुरु रामदास पातशाह महाराज की वड्याई है। ते ज्ञानी जी साडा निका जिहा पिंड, असीं गुरु रामदास पातशाह का हर मौके हर साल गुरपुरब मनाउने आ, सानू गुरु रामदास कोई देगा? ये तुहाडा सवाल है। ते ज्ञानी जी साडा निका जिहा पिंड है, असीं हर साल जिन्ने जोगे आ गुरु रामदास पातशाह का गुरपुरब मनाउने आ, सानू भला गुरु रामदास देगा? इहदा जवाब गुरमुखो जदों गुरु रामदास ने यह नगर वसाया ना, उदों 52 वख वख कम्मां वाले बंदियां नूं वसाया, वख वख बंदियां नूं। कोई लक्कड़ दा कम करदा, कोई भांडियां दा कम करदा, कोई सोने दा कम करदा, कोई कपड़े दा कम करदा। इतिहास के पन्नियां दे मुताबक वख वख 52 धंदियां वाले नूं वसाया। पर सब तो वड्डी गल कि है, कोई गरीब बंदा आ जाए तो उन्हूं आने पिछे हो के बह। ये धन गुरु रामदास पातशाह है जिन्होंने गरीबां लोगों चढ़ते पासे वसाया। तुम सुल्तानपेड़ गेट तो जदों कि सराह वाले पासे दरबार साहब जाओ ना, जेड़े उस मौके सफाई करने वाले वीर सन ना साडे गरीब भरा गुरु रामदास पातशाह कहिंदे तुसीं चढ़ते पासे वल बैठोगे, चढ़ते पासे वल। ये गरीबां नूं नवाजण की गल है। उस मौके गुरमुखो गुजरात जिहड़ा पाकिस्तान च है ना, उत्थों दा एक बंदा घुंगणियां वेचण वाला, उहदा नाम सोमा करके लिखिया, वह आया तो की करता है जिथे सेवा चलती ना सरोवर की, उन्हें गुरु रामदास पातशाह महाराज आए तो कहन लगे सोमिया किन्ने वटेई? कहिंदा जी 2 पैसे। कहिंदे दे दे भाई, दे दिते। अगले दिहाड़े गुरु रामदास पातशाह फिर आए तो कहिंदे सोमिया अज किन्ने बने? कहन लगा जी बड़ियां बरकतां पाईआं जे,
कल इन्ने टाइम तक दो पैसे वटे सी, अज पांच वटे ने। बड़ा गरीब नवाज है, बड़िया बरकत पाना तू। तीजे दिहाड़े गुरु रामदास पातशाह ते सोमे ने मन च बचारिया, मना गुरु रामदास पातशाह ते तू एक मूला घूनिया बेचण वाला, ते गुरु रामदास पातशाह तेनू कवे भी किन्ने वटे ते तू देवे, ये फपदा नहीं। वो पातशाह ते पातशाह नू भेट देनी चाहिए है। उदन सत वटे गुरु रामदास पातशाह दे लागे नहीं आए, ते सोमा अगे वध के कहण लगा, महाराज अज बड़ी कृपा की, जे अज सत पैसे वटे ने। धन गुरु रामदास पातशाह ने दोवें हथ फड़ के घुट के आख्या, सोमिया तेरी गरीबी चकी गई, तू सोमा शाहूकार होयो। जिन्हें दो पैसे दिते ना, जिन्हें पांच पैसे दिते, उन्हू शाहूकार बनाया। ते तुसी गुरु रामदास पातशाह नू हर साल चेते कर दिओ, भला गुरु रामदास तुहानू नवाजेगा ना। पर थोड़ी जी खिचड़ तां करनी पैगी ना, लंगर पक्का होवे। ते अगला कहिंदा जी थाली करो, ते आपां थाली ना करिए ते फिर तां नहीं गल बणदी। इस करके सारे जणे थालियां अड्डो, असीं दरबार साहब हर मौके गुरु रामदास पातशाह दे अगे थाली अड्डदे आ। ते तुहानू भी कहिंदे भी भराओ इउं अड्डो तां कि तुहानू भी पता चल जाए ते गुरु रामदास पातशाह दे अगे थाली अड्डण दा की तरीका है। हाथ जोड़ के आख्या करिए, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बेखाई, माया मोह भरम पै भूले, सो दारा सो प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, ते मलंजम त्रास मिटाई, एक अरदास पहाड़ कीर्त की, गुरु रामदास राखो सुनाई। भी साड़ी तो एको एक अरदास है, भी साढ़े ते कृपा कर, सानू शरण में रख। याद रखिया जे जेड़े चूचे टोकरे थले होंगे उन्होंने इल नहीं जे चुकती। आ मुर्गिया के चूचे होंगे ना निके निके, जेड़े चूचे बाहर चुकते ने, पता नहीं कदों कां चुक के लै जाए, कदे इल चुक के लै जाए। जेड़ा टोकरे थले चूचा हो जाए ना, उन्हूं इल ते कां दा खतरा नहीं। इस करके गुरमुखो जिहड़ी ये संगत है ना, ये गुरु रामदास की रहमत का टोकरा है। जे आपां गुरु की संगत विच रहांगे ते फिर ब्यास वाला बाबा कां वाकू सानू चुकेगा नहीं, फिर खतरा नहीं। सानू चुकेगा उन्हां नूं जिन्हां ने बाबे बकाले वाले अगे अरदास नहीं की। आपां 400 साल धन गुरु तेग बहादुर पातशाह का मना रहे हैं। मक्खण शाह लबाणे ने अरदास की सी, तेरे ते कृपा कर, आया दो दो मोहरां दित्तियां ते लगे जकारे छड़न। जदों असली गुरु कोल आया ना, ते गुरु ने अपने चोले तो कपड़ा पासे करके आख्या, मखणा गुरु ने पैसिआं दी दुकान नहीं पाई, पर तेरे जाज दे किलां दा निशान अजे भी मेरे मोढे उपर है। इस करके मैं बेनती करा, आपां 400 साल गुरु तेग बहादुर पातशाह दा मना रहे हैं। उस बाबे बकाले वाले गुरु कोल जाया करो, क्योंकि आपां बेड़ी ते बैठे कि बेड़ी डुब ना जाए। अजो सुनाओ समुद्र में क्या जाना क्या होए, उस बाबे को जाओ जेड़ा मोढ़ा दे के बने लाउंदा है, ते ब्यास ना जाओ डुब जावांगे, क्योंकि ब्यास दरिया डुबदा है। ये चोन साड़ी है, गुरु सानू समत बख्शे। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल।